हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। यूके पीसीएस का लगातार इंटरव्यूज चल रहा है, जितने कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं। उसी कड़ी में जितने भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं, मैं उनके रिव्यूज कवर कर रहा हूँ कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही उन एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज है जो यूके पीसीएस की तैयारी करें। सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ये इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। थैंक यू थैंक यू। क्या फीलिंग है सर? अच्छा है, इंटरव्यू काफी अच्छा गया, काफी अच्छा। मतलब एक सर थे जो जिनका जवाब शायद मैं नहीं दे पाया, बाकी तो ठीक था, इंटरव्यू अच्छा था। आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आते हैं, मीडियम अटेम्प्ट? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और उत्तराखंड मेरा पहला अटेम्प्ट था ये। बाकी यूपी पीसीएस में रेगुलर देता हूँ, 2018 से ही दे रहा हूँ मैं। तो ओके सर, इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो वो माहौल बताएं, कैसे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, आप कैसा उम्मीद किए थे और क्या अलग यूपी से क्या अलग इस बार आपको यूके में दिखा? उम्मीद मान के चल रहे थे कि मतलब यूके स्पेसिफिक पूछेंगे ज्यादा, और थोड़ा डर लग रहा था जो कि पहली बार यूके का दे रहा था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। बहुत ही नॉर्मल एटमॉस्फेयर था और सामान्य सा प्रश्न था, मेरा वर्क एक्स था तो वर्क एक्स के बारे में थोड़ा पूछा, और बाकी फिर ऐसे ही जीएस के क्वेश्चन, आपका अनुभव कैसा रहा है और बाकी उत्तराखंड के बारे में कुछ, फिर मेरा चूंकि एक केमिकल इंजीनियरिंग का अनुभव था तो उसके बारे में कुछ पूछे, फर्टिलाइजर से रिलेटेड पूछा था उन्होंने। फिर आप अपने बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ऐड कर दें कि मेरा बैकग्राउंड, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ है, और मेरा अनुभव है फर्टिलाइजर सेक्टर में जॉब करने का। फिलहाल मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से ही। ओके, अगर सर आप कंफर्ट हो तो एक दो क्वेश्चन अगर रिवील करना चाहें कि किस तरह के पूछे गए, करंट में क्या पूछा गया, स्टैटिक्स क्या पूछा गया? स्टैटिक क्वेश्चन जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन थे कि आप अगर सपोज ग्रामीण विकास करना हो तो उसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी, पशुपालन को लेकर उन्होंने पूछा उत्तराखंड में। उसके अलावा ग्रामीण में शिक्षा का अगर विकास करना हो, मेरे अनुभव के आधार पे कि जो कि मैं ग्रामीण परिवेश से था, तो उन्होंने बताया कि ग्रामीण में जो है शिक्षा का विकास आप कैसे करेंगे। उसके अलावा स्टैटिक्स में जो आपके पॉलिटी या फिर स्पेक्ट्रम वगैरह सब में कुछ पॉलिटी वगैरह से नहीं था, क्वेश्चन नहीं था। 25 मिनट लगभग मेरा इंटरव्यू चला और 25 मिनट हाँ लगभग 25 मिनट के आसपास रहा। 25 मिनट के आसपास। सर आपने यूपीएससी को कभी देखा? यूपीएससी दिया है लेकिन मेरा फाइनल तक हुआ नहीं, मैंने 2 बार मेंस दिया हुआ। तो यानी सर का काफी लंबा एक्सपीरियंस है, ये भी इंटरव्यूज आप, ये रिव्यू आपको काफी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। सर आपकी मेंस की थोड़ी अप्रोच आप बता दें कि आपकी मेंस की क्या अप्रोच? हाँ, उत्तराखंड पीसीएस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ये है कि इस बार पैटर्न प्रीलिम्स का इन्होंने और मेंस का दोनों चेंज किया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको उत्तराखंड स्पेसिफिक पूछा जाएगा। जैसे हम लोग बाहर के स्टेट के हैं तो पहले थोड़ा सा जेनरिक था, अगर आते हैं तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब जो कि मेंस में 2 पेपर इन्होंने ऐड किया हुआ, प्रीलिम्स में शायद 40% क्वेश्चन उत्तराखंड के रहेंगे, तो आपको उत्तराखंड के बारे में जो है विशेष जानकारी लेनी पड़ेगी, यहाँ की योजनाएं, यहाँ का इतिहास, कल्चर और साहित्य, जो भी चीजें हैं यहाँ की। तो हालांकि ठीक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी भी राज्य सिविल सेवा परीक्षा के लिए वहाँ के राज्य के बारे में जानना जरूरी है, और ये जरूरी भी प्रशासन में भी काम आएगा। एक बदलाव इस बार की परीक्षा में होने जा रहा है जिसका एग्जाम 14 शायद जुलाई को प्रीलिम्स। तो सर थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं, जब आपके मेंस की जो बुक लिस्ट रही है, जो हम जनरली जानते हैं कि पॉलिटिकली है लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना होता है या फिर हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ना होता है, वही सेम फॉलो किया है या फिर कुछ अलग आपके रहे हैं रिसोर्सेज? उसके अलावा जो वैल्यू एडिशन रहा है वो क्या है? देखिए, वैल्यू एडिशन आपको अगर कहीं से भी करना हो, मैं चूंकि यूपी पीसीएस भी देता हूँ और उत्तराखंड भी इस बार दे रहा था, तो आपको ज्यादातर जो फायदे मिलते हैं, जैसे किताबें तो मार्केट में है, आपको उत्तराखंड की परीक्षा वाड़ी वगैरह मिल जाएगी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि जो सरकार की आधिकारिक वेबसाइट और उनकी रिपोर्ट्स होती है वो ज्यादा, जैसे यहाँ के बजट के आप वहाँ बजट निकाल के पीडीएफ आप खुद पढ़ें, सरकार की योजनाओं की, जैसे हर एक मंत्रालय की रिपोर्ट आती है, यहाँ का वन विभाग का रिपोर्ट आया, या मान लीजिए सरकार की कोई इनिशिएटिव है तो प्रेस इन्फॉर्मेशन, या जो सूचना विभाग है यहाँ का, तो वो ज्यादा लाभप्रद रहता है। मतलब आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, और खासतौर पर अब नया जो पैटर्न है उसमें निश्चित तौर पर। ठीक है सर, अगर ये आइडिया आपको हो कि दूसरे स्टेट से जब आप आते हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं पीसीएस का एग्जाम देने, तो उन एस्पिरेंट के लिए प्रेफरेंस पीछे रहती है, आगे रहती है, या फिर इक्वल रहती है, या कुछ ऐसा क्राइटेरिया है क्या कि पहले अपने स्टेट के बच्चों को लेते हैं? नहीं नहीं, फिलहाल उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, मतलब कुछ राज्यों में ऐसा सुना जाता है, जैसे राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ या एमपी में भी सुनने में आता है कुछ इस तरह का, लेकिन अब यहाँ पे इस तरह का संभावना ही नहीं ना, क्योंकि पैनल के पास कोई जानकारी रहती ही नहीं, तो संभावना ना के बराबर है। और यहाँ मैंने सुना भी है कि यहाँ इस तरह का चीजें, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो यहाँ जॉब में है, ऐसा मतलब सेवा में है। अच्छा, तो ऐसा मतलब भेदभाव नहीं दिखता यहाँ पे। आप अगर अदर राज्य के, बस ये कि अब जो नया पैटर्न है उसमें आपको उत्तराखंड राज्य के बारे में डिटेल पढ़ना होगा, जैसे हम लोग यूपी के बारे में पढ़ते थे नया पेपर जो है। आपने उत्तराखंड को कैसे कवर किया उसके स्टडी को? मैंने 2 ही सोर्स बताया सर, एक परीक्षा वाली थी और एक मैंने जो सरकार की आधिकारिक, वो सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए वही थी।
ठीक है, ओवरऑल सर ये सिविल सर्विस की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है और क्या सिखाया इस जर्नी ने, इन सारे को अगर समराइज करके बताएं उन लड़कों को जो तैयारी करने वाले। नहीं सबके लिए तो शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ मेरा चूंकि व्यक्तिगत है तो अब चूंकि मेरा एक लंबा समय सिविल सेवा में गुजरा है तो पहली चीज तो ये है कि देखिए अनुभव मिक्स रहे हैं, तो मैं जो नए बच्चे हैं उनको सुझाव सिर्फ यही दूंगा कि हाँ आप जब भी करें मन से या जो भी हो लगन से आप करें, और एक 3 से 4 साल का जो ड्यूरेशन होता है ठीक है आप पहले स्टेट फोकस करें या यूपीएससी करें, लेकिन एक टाइम फ्रेम आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप प्लान भी एक्सिक्यूट कर सकते हैं। जैसे मेरा क्या है 6 से 7 साल लग गया सर इसमें और अभी अंतिम सफलता नहीं मिली है, तो ये एक मिक्स कहिए या जो है थोड़ा सा ड्रॉबैक कहिए, तो लेकिन ये कि जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक प्लान होना चाहिए, 3 से 4 आप दें उसके बाद फिर आप प्लान भी एग्जीक्यूट करें फिर पैरेलल ही देते रहें, लेकिन एक प्लान भी होना चाहिए। सर इतना लंबा आपने इस टाइम दिया है उसके लिए आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगा, तो वो मोटिवेशन का सोर्स क्या है, खुद से लड़ाई या फिर किसी को प्रूफ करना था क्या था? नहीं अभी तक कैसे टिके हैं? प्रूफ करने वाले नहीं, टिकना क्या, देखिए जीवन तो टिका देता है लेकिन बात उसकी नहीं है, बात ये कि अगर कोई मोटिवेट करता है तो मेरे पास एक तो हमें कॉर्पोरेट का अनुभव है तो मुझे वो लाइफ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मतलब मेरा ये अपना निजी मामला, हो सकता है किसी को अच्छा लगे, लेकिन मुझे सिविल सेवा या इस तरीके का पब्लिक सर्विस ही करना था, तो ये एक बेहतर विकल्प था। अब चूंकि इसमें लगातार मैं दे रहा हूँ तो यहाँ से क्विट करने का स्कोप बनता नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं एक आध कदम से मैं चूक रहा हूँ, तो वो लास्ट स्टेज में ही था इसीलिए मैं 1-2 साल ऐसे ही लग गया, नहीं तो प्लान बी मेरे पास फिलहाल तो अपने एजुकेशन को लेकर के ही है, फिलहाल मैं ऑलरेडी तैयार रखा हूँ कि हाँ चीजें अगर नहीं होती हैं मेरे दिशा में नहीं जाती हैं तो एजुकेशन या शिक्षा के क्षेत्र में मैं लगूंगा। जी सर बहुत सही है क्योंकि आप एकदम लास्ट स्टेज पे हो, हर जगह कई बार आपने इंटरव्यू दिए, आपने यूपीएससी के मेंस लिखे, वहां तक जाना यानी अपने आप में कमी आपने नहीं की, बस एक लक भी कह सकते हैं कि अब लक कही है शायद मेरे, हाँ मार्क्स कुछ कम रह जा रहे हैं, कुछ कमी ही होगी निश्चित तौर पर क्योंकि मेंस से मार्क्स कुछ कम रह जा रहे हैं, तो अब देखते हैं इस बार उम्मीद है कि हो सकता है। बिल्कुल सर, विश यू ऑल द बेस्ट, मैं उम्मीद करूंगा ये लास्ट अटेम्प्ट हो आपका। थैंक यू गाइस, आपको वीडियो वैल्यूएबल लगी हो सर को विशेष दे सकते हैं, और अगली बार जब सर से मुलाकात हो तो प्रॉपर टॉपर के साथ हो कि प्रॉपर टॉपर के इंटरव्यू होंगे, कैसे लगे कमेंट करके बताएं, कोई क्वेश्चन रहेगा वो भी कमेंट करें ताकि अगले कैंडिडेट से मैं चीजें पूछ पाऊँ। चलिए मिलते किसी और ऐसे शानदार वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।